ही जीवन है की महत्ता को बताने के लिए आज बेड़ो के डीएवी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में पौधारोपण एवं जल सेना का गठन किया गया। मौके पर स्कूल के निदेशक कैलाश कुमार ने जल के महत्व को बतलाया और आज भूजल स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है, इसे किस प्रकार वर्षा जल को संचय किया जाए एवं घरों से निकलने वाले पानी को सोखता बनाकर भूजल स्तर को किस प्रकार बढ़ाया जाए, इसका उदाहरण दे देकर बच्चों को बताया। साथ ही कहा कि बच्चों को कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए और वो भी अगर जन्मदिन के अवसर पर लगाया जाए तो उस पेड़ की रख रखाव में बच्चे ध्यान देते हैं। पेड़ पौधे की दिनों दिन कमी हो रही है, इस कारण आजकल समय पर वर्षा नहीं हो पाती और किसानों को फसल का नुकसान हो रहा है। साथ ही जल संकट बढ़ता जा रहा है, इस कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। इस मौके पर विभिन्न फलदार पौधों का पौधारोपण भी किया गया। जल सेना का गठन किया गया जिसमें छात्रों में सक्षम कुमार, सत्यम कुमार, राजेंद्र उरांव, नितेश गोप, सचिन कुमार एवं छात्राओं में निहारिका कुमारी, सुचिता कुमारी, ओमी कुमारी, नियति सांची, कोमल कुमारी का चयन किया गया। मौके पर शिक्षक अमित कुमार, प्रमोद कुमार, डेविड कुजूर, श्रवण कुमार, सोम सरकार, अनिता देवी, यशोदा देवी, निर्मला लकड़ा, आरती कुमारी एवं सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ मौजूद रहीं। पेश है हमारे संवाददाता मनीष के साथ सहयोगी राजकिशोर की रिपोर्ट। मैं प्रत्येक वर्ष एक पेड़ लगाऊंगा और उसकी सेवा करूंगा और यह मेरी जिम्मेवारी होगी कि जल का संचय करूंगा। अभी आप लोग को यहाँ पे पौधारोपण के बारे में बतलाया गया, ये पौधारोपण से क्या फायदा है? पौधारोपण से हमें बहुत सारे फायदे हैं। अगर पौधे नहीं रहेंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, उनके कारण हमारे पानी का लेवल बना हुआ रहता है जमीन में। अगर पौधे नहीं रहेंगे तो हम कैसे जिंदा? पॉकेट बना के कर सकते हैं, पानी को ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे तो हम जल संचय कर सकते हैं। जितना हमें जरूरत है उतना ही यूज करेंगे तो हम जल बचा सकते हैं। आप कुछ बोलिए। हमारे लिए जल बहुत जरूरी है। अगर हम जल का वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ तक पानी के लिए बहुत दूर दूर तक लाइन लगा हुआ होता है। अगर हम पानी का वेस्ट नहीं करेंगे तो उन्हें कुछ सुविधा हो सकती है। आप बोलिए। हमारे लिए जल बहुत जरूरी है क्योंकि जल बहुत हमें कमी होती है, इसलिए हमें पेड़ पौधा लगाना चाहिए। जो बच्चे हैं वही कल के भविष्य, यही अगर हम लोग बच्चों को जागरूक करेंगे कि जल संचय कैसे किया जाए और पौधा रोपण से क्या हमें फायदा है, और आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बरसात के मौसम में आप लोग देख रहे हैं कि बारिश ना होकर धूप हो रही है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में अगर हम बच्चों को जागरूक करेंगे तो बच्चे अपने भविष्य के लिए वो अच्छा करेंगे। हम लोगों का वातावरण एक संतुलित रहे और समय पर बारिश हो और जल का संचय करना चाहिए। हर जगह हम लोगों को जल का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना हमें आवश्यकता है और साथ में ग्राउंड लेवल को रिचार्ज करने के लिए हर जगह सोखता बनाना चाहिए। ये तो सरकार का भी एक अभी बहुत महत्वपूर्ण योजना सरकार ने भी चलाई है। हाँ, सरकार के द्वारा ये योजना जल सेना का गठन किया गया है, हर एक स्कूल में किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जल सेना का गठन आपने भी किया? जल सेना का गठन हमारे स्कूल में आज हुआ है और बच्चों को मैंने यही संदेश दिया है कि अपने गांव घरों में भी इस जागरूकता को बढ़ाएं, जल को संचय करें और अपने भविष्य को बचाएं।